हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस गले के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लेस ली हुई है। साथ ही दोस्तों, हमने ये बुकरम भी ली हुई है जिस पर हम अपना नेक काटेंगे। और इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपने हिसाब से एक प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुकरम पे अपना नेक काटते हैं। तो दोस्तों, इस नेक डिज़ाइन को काटने से पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहते हैं। दोस्तों, मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, आप हमारी इस वेबसाइट पर जाने के बाद में हमारे सारे डिज़ाइंस भी एक साथ देख सकते हैं और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस नेक डिज़ाइन को काटने के लिए हम अपनी बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान पहले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लिया है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों बोट नेक है। अब इसके बाद दोस्तों, आप इसके नीचे जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारे तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो सबसे ऊपर से आपको सीधा निशान लगाना होगा एक 14 इंच पर। 14 इंच पर लगाने के बाद में दोस्तों, अब इस निशान से और यहाँ तक आपको नापना होगा कितना गैपिंग आ रही है बीच में। तो यहाँ पर टोटल आ रही है 10 इंच, यानी 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ करके यहाँ पर हम 5 इंच पर एक मार्क इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इस 5 इंच वाले मार्क को हम इस तरीके से यहाँ पर सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में यहां से हम एक 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस 3 इंच वाले मार्क से यहां तक पहले हम एक सेफ देंगे इस प्रकार से। ये हमने यहां पर सेफ दे दी है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, ऐसी ही सेफ इस साइड पर लगानी। तो इसके लिए आप अपनी बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड करें ताकि जिससे आपका ये जो है सेम आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हल्का हल्का निशान आ गया है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। यहां पर दोस्तों, आपको नोक बिल्कुल मिलानी नहीं है, यहां पर आपको बीच में गैपिंग रखनी है लगभग 1/4 इंच से थोड़ा सा कम। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों, आप इसके बाहर की तरफ अपने हिसाब से कितनी भी बुकरम रख सकते हैं, 1/2 इंच या 1/4 इंच। अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेते हैं सेम मार्किंग पर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा जो नेक है वो कुछ इस प्रकार से कटिंग हो गया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस नेक को कुर्ती के ही सेम कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को कपड़े पर चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपड़ा बाहर की साइड से हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस नेक को कुर्ती में नॉर्मल तरीके से बना लेंगे जैसे कि बाकी सारे नेक बनते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम अपने पूरे नेक पे फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेस लगाने के बाद में हमारे नेक की जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस नेक की किनारी पर इस लेस को सिंगल बूट की मदद से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी इस प्रकार से लेस को लगा लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो आपकी नोक है, इस नोक से आपको 2 इंच पर नीचे की तरफ दोनों तरफ निशान लगाना होगा ऐसे। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही तरफ हमारा सेम निशान आ गया है।
इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो जो प्रिंटेड कपड़ा है ये ले लेना होगा और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना होगा। तो ये हमने यहाँ पर अपना डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर आपकी बंद वाली साइड आ जाती है। तो इसको आप इस प्रकार से इसके अंदर सेट करें ताकि आपका आधा ये वाला प्रिंट और आधा ये वाला प्रिंट नज़र आए। और साथ ही दोस्तों आपको एक लूप ले लेनी होगी डोरी की और एक बटन ले लेना होगा जिसकी वजह से आपका जो नेक है बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। तो पहले हम अपने इस कपड़े को अटैच करते हैं। इस कपड़े को अटैच करने के लिए दोस्तों आपको इसको इस तरीके से सेट करना होगा। देखिए जो आपने निशान लगाए इन निशानों पर इस तरीके से कपड़े को सेट करें। और सेट करने के बाद में दोस्तों इसे सिलाई मार के यहीं पर अटैच कर दें। और इसी तरह के दोस्तों खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने नीचे वाले कपड़े को अटैच कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपनी एक लूप को और बटन को लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लूप और बटन लगाने के बाद में हमारा नेक डिज़ाइन यहाँ पर हो जाता है तैयार। लेकिन इसके बाद इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए दोस्तों आपको लेना होगा कुछ इस प्रकार का पैच। ये पैच दोस्तों मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इस पैच को आप फैब्रिक ग्लू की मदद से बीच में इस तरीके से चिपका लें और चिपकाने के बाद में देखिए आपके नेक का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com।